अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहान हक Chipkoo.com के प्लेटफॉर्म से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। एक ही पैगाम है हमारा, एक ही मैसेज है कि दुनिया में हर कामयाब इंसान के साथ एक मेंटोर होता है जो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बाकी डायरेक्शन में से और क्या फैसला करना चाहिए। क्या आपके पास है? नहीं है, कोई मसला नहीं, हम Chipkoo.com के प्लेटफॉर्म से आपके लिए, हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा से तैयार हैं। ज़रूर विज़िट करें Chipkoo.com। नाउ आज के शॉर्ट वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी कामयाबी के लिए, जैसे हम कहते हैं वो कौन कौन से स्किल्स हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, दुनिया के किसी, पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, वो फैक्टर्स हमेशा से आपको हेल्प करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसमें मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके पास एक बहुत अच्छी टेक्निकल स्किल्स हैं, फ़ायदा क्या अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकें। दुनिया में जब आप किसी पाकिस्तान से बाहर जब आप जाएंगे तो देखेंगे दुनिया में हर कंपनी में दुनिया के हर किस्म के लोग काम कर रहे होते हैं। उनके सामने एक्सप्लेन करना, बॉडी लैंग्वेज को कैसे मैनेज करना है, किससे किस तरह से बात करनी है, टोन कैसा होना चाहिए, स्किल्स जो कम्युनिकेशन के हैं उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें सीखनी बहुत अहम है। तो सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर चोजन फील्ड, पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या सब डोमेन्स हो सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज हो थोड़ी बहुत तो बहुत अच्छी बात है। वन अनदर इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड, उस फील्ड की लेटेस्ट ट्रेंड क्या क्या है। लीडरशिप स्किल, आज नहीं कल आप टीम को मैनेज करेंगे कैसे करेंगे। नेगोशिएशन स्किल्स होने चाहिए, इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं आप। सेल्स की पिच भी होनी चाहिए ताकि आप लोगों के सामने एक एटीट्यूड आपका डिफरेंट हो, और डिप्लोमेटिक अप्रोच होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।